स्टार्टिंग में तो जैसे काफ़ी ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स आती थी, अचानक से पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ सेटअप हो गया और जैसे मेन्स हुआ था उसमें मेरी 121 रैंक। आप 121 के सीकर टॉपर थे, जेई मेन ने आप सीकर के पूरे पूरे इंडस्ट्री को टॉप किया था आपने। 998 रैंक के डाउन थे। नमस्ते बॉस और नमस्ते मम्मी पापा और जितने भी मेरे गार्जियन हैं। मैं भी 11th में दीदी के साथ ही गया था। पहले तो मेरा फिक्स नहीं था कि सीएलसी जाना है या नहीं जाना है, लेकिन फिर दीदी के साथ साथ मैं भी सीएलसी में चला गया। हमारा 11th मे को एडमिशन हुआ था। फिर जैसे 11th में इतना कुछ खास था नहीं मेरा मतलब बताने को, लेकिन 12th में काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी और टीचर्स ने भी काफ़ी कुछ सपोर्ट करा। 12th और 11th में बात बिजी में रहता था, जैसे साइंस और अंकित सर ने भी काफ़ी कुछ सपोर्ट करा 12th में, एडमिनिस्ट्रेशन डीटीएस वगैरह। तो बोर्ड के लिए भी जैसे मैं 12th में सब स्टार्टिंग में गया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती थी कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, बोर्ड्स कैसे होंगे, लेकिन जैसे जैसे फिर आगे प्रोग्रेस करता गया फिर पता चलने लग गया कि बोर्ड में ज़्यादा कुछ टेंशन होता है। फिर 12th में मेरा मेन्स के साथ मेन्स दो बार हुआ था 12th में, तो फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, उसमें मेरा 1015 रैंक था सेकंड टाइम। आप सीकर शहर के जेई मेन के 2020 में टॉपर रहा। 19 में होती मेरा एडवांस थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसमें मेरी 2772 रैंक थी। फिर ठीक है, मैंने काउंसलिंग वगैरह 10-15 दिन तो घर पे था, फिर मैंने काउंसिल सोचा कि फिर मेरे को 2772 पे IIT रुड़की में मैकेनिकल मिल रहा था उस टाइम पर। फिर मैंने एक दिन शाम को मम्मा को बोला कि मुझे रिपीट करना है, तो मम्मा ने कैसे बोला कि दीदी से बात कर ले। दीदी ने बॉस से पूछा तो बॉस ने बोला हाँ आ जा। फिर हम उस दिन विजय उत्सव में गए थे, फिर वहीं पे सामान लेके शिफ्ट हो गए थे। उस बार मैं हॉस्टल में था, उस बार हॉस्टल में स्पेशली काफ़ी सारे थैंक्स रामस्वरूप जी को, काफ़ी सारी हेल्प करी। दो साल तो हो गए थे जैसे, तो सब कुछ फ्रेंड्स ही थे, तो ऐसे कुछ अनजान नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी सपोर्ट था रामस्वरूप जी का, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर माहौल था बिल्कुल मेरे को। फिर जैसे 12th में मेन्स था, फर्स्ट मेन्स था, उसमें मेरी 99.987 परसेंटाइल थी। फिर कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और हम सब घर पे आ गए थे। फिर ऑनलाइन भी स्टार्टिंग में तो जैसे काफ़ी ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स आती थी कि अचानक से एक बार स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ सेटअप हो गया और जैसे मेन्स हुआ था उसमें मेरी 121 रैंक थी उस टाइम पे। आप 121 के सीकर टॉपर थे, जेई मेन ने आप सीकर के पूरे पूरे इंडस्ट्री को टॉप किया था आपने। और फिर एडवांस हो गया 998 रैंक के एडवांस में।